हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में प्रज्वल रोबोटिक्स में। सो आज दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बार तरासी दोस्तों एम्पलीफायर की बोर्ड की। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ। तो ये दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इसे बनाएंगे एक स्पीकर दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा और दोस्तों जिसके आवाज दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी होगी और साउंड क्वालिटी दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो इसके साथ दोस्तों हम कितने स्पीकर अटैच कर सकते हैं और दोस्तों कैसे दोस्तों हम इसके सारे कनेक्शन करेंगे वो आपको दोस्तों आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो आज फिर दोस्तों हम देखेंगे कि ये दोस्तों एम्पलीफायर जो प्लेट है ये बड़ी है दोस्तों, कैसे दिखती है, अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो हम दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में। तो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको दोस्तों ऐसे भी और अच्छी से दोस्तों वीडियो लाता रहूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना, उससे आपको दोस्तों मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब हम दोस्तों वीडियो लंबी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ले आया हूँ आपके लिए एक दोस्तों बार तरह से एम्पलीफायर बोर्ड। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्तों साउंड क्वालिटी इसकी होती है 4440 AC के मुकाबले। दोस्तों 4440 AC वाला जो बोर्ड है उसके अंदर आपको नॉइस और हमिंग की प्रॉब्लम हमेशा मिलेगी, बट इसके अंदर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोलर भी, बेस कंट्रोलर, कुछ भी वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। आप सिर्फ दोस्तों जो कार्ड लगाओगे उसके अंदर ही आप इसकी वॉल्यूम है रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो और सब कुछ इसके रिमोट से ही दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके साथ आपको कार्ड भी लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि इसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा। आप इसमें आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है वो लगा सकते हैं। और इसके दोस्तों जो साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आने वाली वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि इसके अंदर दोस्तों कौन सा स्पीकर हम दोस्तों लगाएं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसके अंदर कितने इंच का स्पीकर है। तो इसके अंदर हम दोस्तों 8 इंच का स्पीकर एक लगा सकते हैं, बट 4-4 इंच के आप 2 लगा सकते हैं और 3-3 इंच या 2-2 इंच के आप 3 लगा सकते हैं। तो काफ़ी दोस्तों अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी आएगी। तो इसका दोस्तों प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो दोस्तों सिर्फ 80 रुपीज़ का मैंने इसको परचेज़ किया है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा हम दोस्तों मिल सकता है। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्तों एक स्पीकर बनेगा। हम बना के भी देखेंगे आने वाली वीडियो में और इसके कनेक्शन है वो भी हम दोस्तों आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको करके दिखा दूंगा। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये दोस्तों बोर्ड? तो आपको अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप इसको दोस्तों लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन दोस्तों मत परचेज़ कीजिए, आप इसको ऑफलाइन ही परचेज़ कीजिए क्योंकि ऑफलाइन में दोस्तों आपको सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल सकता है। और ये बोर्ड की बात करें तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा 4440 AC के मुकाबले, क्योंकि इसमें दोस्तों वायरिंग के जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सिर्फ आपको इनपुट और आउटपुट ही लेनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर और पावर देनी है आपको इसके अंदर। तो आने वाले वीडियो में हम दोस्तों इसे करके देखेंगे एक दोस्तों प्रोजेक्ट मेकिंग। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।